वबरकातुहू। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मान्य शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त कर मुझे खुशी हो रही है। ये हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस है। आज से ठीक 76 वर्ष पूर्व हम पर अंग्रेजों का शासन था। वे व्यापार के बहाने भारत आए और धीरे धीरे सब कुछ अपने अधीन कर लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। फिर कई आंदोलन और लड़ाई लड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता हुआ। हम लोग उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण का ना सोचकर देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण खो दिए। जब ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारी ने मंगल पांडे क्रांतिकारी को गोली मारी, तब से सब देशवासियों ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई। देश को आजाद कराने के लिए कई क्रांतिकारी सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। उनमें से अशफाक उल्ला खान, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना जफर अली खान, टीपू सुल्तान और भी कई लोग थे। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ने का सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कई बार उन्हें जेल भी जाना, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उनका एक लक्ष्य था, देश को ब्रिटिश से आजाद करवाना। काफी संघर्ष के बाद हमारा देश आजाद हो गया। इस दिन को यादगार के रूप में प्रत्येक वर्ष राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। राष्ट्र झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, संविधान में जो लिखा है उन बातों का हमें पालन करना चाहिए, यही देश का सम्मान है। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे सदा दिल में बसाए रखना।